नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। जी हाँ दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं स्वीट कॉर्न सूप, जिसका मेन इंग्रेडिएंट है ये स्वीट कॉर्न। उबला हुआ हमने लिया एक कटोरी, थोड़ा सा बचा के पानी डाल के इसको मिक्सी में बारीक पीस लेते हैं। और साथ के साथ यहाँ पे लिया हमने थोड़े से गाजर, बीन्स, और ये देख रहे इतना सा अदरक का टुकड़ा, और ये स्प्रिंग ऑनियन यानी कि प्याज के पत्ते, इनको बारीक काट लेते हैं। तो बस इतनी सी तैयारी करनी है। गैस ऑन कर दिया और इसी कटोरी से हमने डाला इसमें चार कटोरी पानी, और इसमें डालेंगे जो हमने ये पेस्ट बना लिया है, इसको इसमें डाल देते हैं। इसको उबलने देते हैं और मैं आपको बहुत ही होटल जैसा, आपको टेस्ट भी चाहिए और आसानी से बन जाए वो भी रेसिपी चाहिए, तो आज वही वाली रेसिपी ट्राई करेंगे। उबाल आता है जब तक, इधर हम अपनी सब्जियां भी कट कर लेते हैं। तो ये देखिए उबाल आने लगा है, और ये उसके ऊपर में जो ये झाग जैसा चीज रहता है, इसको हमको निकालना रहता है ताकि हमारा सूप जो है एकदम क्लियर बने, अच्छा दिखे। तो ये वाला स्टेप करना जरूरी है। जब तक ये क्लियर नहीं हो जाता है, इसमें हम लोग कुछ नहीं डालेंगे, इसलिए हम इसको उबाल रहे हैं। इस तरह का कुछ ऐसे छन्नी जैसा चीज ले लेंगे तो ये बहुत ही आसानी से हो जाता है। दो तीन बार इसको करेंगे, फिर देखेंगे हमारा सूप का कलर जो एकदम क्लियर हो जाएगा। हमारा सूप देख रहे हैं बहुत क्लियर हो गया है। दो तीन मिनट तक ऐसा करेंगे उबाल उबाल के। और अब यहाँ पे हम डाल देते हैं गाजर, और जो हमने स्वीट कॉर्न बचा के रखा था उबला हुआ, वो थोड़ा देर उबालेंगे इसको। यहाँ पे डाला हमने बारीक चॉप्ड अदरक, ये डाला हमने बीन्स, स्वादानुसार डालेंगे नमक, और इसको मीडियम टू स्लो फ्लेम पे 5 मिनट तक ऐसे पकने देते हैं। 3 से 4 मिनट ये देख रही, हमारा सूप काफी थिक हो गया है। जो कॉर्न में स्टार्च रहता है उसके वजह से ही बहुत ही ज्यादा गाढ़ा होने लगा है, और ठंडा होने पे तो वैसे भी बहुत गाढ़ा हो जाता है। तो ट्रिक ये रहता है कि अगर आपको कम कॉर्न में ज्यादा सूप बनाना रहता है तो थोड़ा पानी ज्यादा डालते हैं, तब जाके आपको अरारोट का या फिर कॉर्न का पाउडर रहता है उसको जरा सा ठंडे पानी में घोल के और इसको मिला देते हैं इसमें, और एक उबाल आने के बाद बंद कर देते हैं, तो आपका बहुत थिक हो जाता है। बट मेरा देख रहे हैं ये ऐसे ही बहुत थिक है। मैं घर में बना रही हूँ खुद के लिए, तो बहुत ही नेचुरल में बना रही हूँ। दूसरा चीज, स्वीट कॉर्न बहुत ही मीठा होता है, तो मेरे लिए तो इसकी मिठास इनफ है। आपको अगर और मीठा चाहिए तो थोड़ा सा इसमें शुगर ऐड कर लें। अब इसमें हम थोड़ा सा चटकारा भी तो लेना है, तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ सिरका 1 चम्मच घर का बना हुआ, और ये ऐड किया हमने ब्लैक पेपर। आप चाहें तो व्हाइट पेपर, मैं घर में ही अपना बनाई हूँ, ब्लैक पेपर तुरंत कूट के डाल दी। यहाँ पे आप टेस्ट कर लें कि नमक कैसा है, शुगर कैसा है, उसके हिसाब से जो भी चीजें कम ज्यादा लगती है ऐड कर लें। इसको और एक उबाल आने देते, बहुत ही थिक हो गया, पीते पीते तो ये बहुत ही गाढ़ा हो जाएगा। थोड़ा सा स्प्रिंग ऑनियन को भी इसमें ऐड कर देते हैं। लवली, कितना सुंदर कलर आया है, आप देख रहे हैं, इसकी थिकनेस भी देख रहे हैं। आपने देखा कि कितना इजी वे में, एक पैन में ना कुछ फ्राई करना ना कुछ करना, एकदम नेचुरल वे में बना है। डन, अब मैं इसको सर्व करके दिखाती हूँ आपको। परफेक्ट, मैंने ये फ्रेश मलाई से थोड़ा सा डेकोरेट कर दी, इससे इसका स्वाद जो है और ज्यादा बढ़ जाता है। तो आपने देखा बिना कॉर्नफ्लोर अरारोट के, बिना किसी ताम झाम के, कितना सिंपल और बिल्कुल होटल के जैसी रेसिपी, और इसका थिकनेस तो भी देख ही रहे हैं। तो आप लोग जरूर ट्राई करिएगा, प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा। और मेरा दावा है कि इतनी सिंपल और परफेक्ट रेसिपी किसी ने नहीं अभी तक बताई होगी, तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।